दोस्तों मैं जितेंद्र टेकवॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है ओप्पो F5 स्मार्टफोन जो कि अभी अभी इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों इसका बहुत इसमें स्लिम बीजल दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18.9 का एस्पेक्ट रेशियो है इसकी डिस्प्ले का, और यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन इसमें यूज़ किया गया है। राइट हैंड साइड पे दोस्तों आपको पावर बटन मिलेगा और ये सिम स्लॉट है, इसमें आप दोस्तों दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। नीचे दोस्तों 3.5 mm का हेड जैक है, प्लस यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। उसके लेफ्ट पे ही आपने स्पीकर ग्रिल देखी होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों पावर वॉल्यूम लॉकर्स दिए गए हैं, ऊपर बिल्कुल प्लेन रखा गया है। फ़ोन देखने में दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जहाँ तक दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6 इंच का आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी रेजोल्यूशन है 2160 प्लस 1080 पिक्सल्स, और इसका एस्पेक्ट रेशियो है 18.9, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, 2.5D कर्व ग्लास है इसके ऊपर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए फ़ोन बहुत ही आपको बिल्कुल बीजललेस फ़ोन है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके और स्पेसिफिकेशन की, तो दो वेरिएंट में मिलेगा आपको 4GB रैम प्लस और 6GB रैम। दोस्तों ये पर्टिकुलर फ़ोन जो है ये 4GB रैम है, और इसमें आपको मिलेगी 4GB रैम प्लस 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और जिसको कि आप 256GB तक दोस्तों एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये 4GB रैम है और इसमें आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज दिखाई गई है। और दोस्तों ये चलता है एंड्रॉयड वर्शन 7.11, जिसके ऊपर की कलर OS है 3.2 का ओप्पो का अपना, और ये इसके ऊपर लेयर दी गई है। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है मीडिया टेक का 6763T ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और आप ये पीछे देखिए दोस्तों, इसकी जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं। फ़ोन देखने में तो जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इसका जो एक और प्रोमिनेंट फीचर है वो है इसका कैमरा, और इसमें आपको 16 MP का दोस्तों रियर कैमरा दिया गया है, और इसमें आपको F1.8 का अपर्चर है, डुअल LED फ्लैश है, जिसमें कि आप बहुत अच्छी इमेजेस ले सकते हैं रियर कैमरा से। प्लस दोस्तों जो इसका मेन और बहुत ही अहम फीचर है वो है इसका सेल्फ़ी कैमरा, जो कि 20 MP का है, F2.0 अपर्चर है इसमें, सेल्फ़ी फ्लैश है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर के साथ आता है। ये दोस्तों ये पहला फ़ोन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है फ्रंट कैमरा में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई करता है शेप्स एंड फेशियल फीचर्स और बेस्ड ऑन ए ग्लोबल डाटाबेस, और ये 200 अप्रॉक्सीमेटली फेशियल रिकॉग्निशन करता है। और जब आप सेल्फी खींचते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स ये उनको आइडेंटिफाई कर लेता है और आपकी जो सेल्फीज़ को है ब्यूटीफाई करता है, और ये डिस्टिंग्विश भी कर लेता है ईच पर्सन्स फेस फीचर फ्रॉम स्किन टोन बेस्ड ऑन जेंडर एज एंड चिल्ड्रन। तो ये दोस्तों ये बहुत ही अहम फीचर है इसमें, और ये सेल्फी के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया फीचर है अच्छी सेल्फी निकालने के लिए। और ओप्पो फर्स्ट कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की है अपने कैमरा में। तो दोस्तों अगर आप बहुत सेल्फी खींचते हैं और आपको अपनी सेल्फी बहुत ही ब्यूटीफाई करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाने का शौक़ है, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है, यानी कि 3200 mAh की बैटरी है इसमें। और ये दोस्तों इसमें है फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में। फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा दोस्तों सिक्योरिटी फीचर का एक और भी फीचर है, वो है फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन से भी ये फ़ोन अनलॉक हो सकता है, ये भी दोस्तों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी मिलेगा, और जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। प्लस दोस्तों इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें डाला गया है गेमर्स के लिए, और वो है दोस्तों गेम एक्सेलरेशन फीचर। और दोस्तों गेम एक्सेलरेशन फीचर से क्या होगा कि आपका बिल्कुल आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको मिनिमम डिस्टर्बेंस होगी जब आप गेमिंग कर रहे हैं। कोई अगर आपको इनकमिंग कॉल भी आ जाती है तो आपकी गेम डिस्टर्ब नहीं होगी, और इनकमिंग कॉल एक बैनर के रूप में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा फ़ोन बनाया गया है। और ये और दोस्तों इसमें आपको 4G LTE कनेक्टिविटी मिलेगी, ब्लूटूथ 4.20 की कनेक्टिविटी मिलेगी, और भी आपको स्टैंडर्ड सभी कनेक्टिविटी के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं।
और दोस्तों इसमें एक और भी बहुत बढ़िया फीचर है, ओ शेयर फाइल टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट की गई है जो कि 100 times फास्टर है ब्लूटूथ से, और ये भी दोस्तों इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। जहाँ तक दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 19,990 rupees, और ये आपको ब्लैक एंड गोल्ड कलर में मिलेगा, और ये दोस्तों आपको 9 November से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी इसकी प्री बुकिंग चल रही है, आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और ऑफलाइन रिटेल में भी मिलेगा। और दोस्तों ये फ़ोन है भी बहुत स्लीक, इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 7.5 mm है, और इसका वेट भी है 152 grams। हालांकि 6 inch की स्क्रीन है इसमें, लेकिन आप इसको इजीली सिंगल हैंड से चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techwarm.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय।